हम लोग लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। बहुत पुराना पेड़ है और जर्जर अवस्था में हो रखा था कि तिरछा हो रखा है या प्रशासन रोज कलेक्टर साहब वगैरह सब निकलते हैं यहाँ से मगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और आज ऐसा ही हुआ कि एकदम वकील लोग भी बैठे थे और एकदम ही धड़धड़ा के एक कार खड़ी थी उसके ऊपर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि शुक्र है कि वहाँ कोई नीचे वकील वगैरह नहीं बैठे थे और या उस कार के अंदर कोई और व्यक्ति नहीं था। ऐसा पहले भी हो चुका है, सफ़ेदे का पेड़ था हमारे यहाँ पर, ये पहले एक कार पे गिर चुका है। उस दिन तो कुछ वकील ही बैठे थे नीचे, वो ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बच गए। अभी भी पेड़ों की और स्थिति ऐसी हालत ऐसी ही हो रहा है कि पीछे की तरफ सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए हैं, एडीएम सिटी के साहब के सामने पार्क के अंदर, उनकी भी हालत यही हो रही है कि कभी भी गिर सकते हैं। मेरा नाम सुनील भट्ट। ये कलेक्ट्री के अंदर ये पेड़ कई दिनों से सूखा हुआ था और धीरे धीरे से एक कार वाला आके खड़ा करा और उसके ऊपर गिर गया। ये तो जनहानि नहीं हुई, नीचे वकील लोग भी बैठते हैं लेकिन किसी के चोट नहीं आई, भगवान का शुक्र है। इसके अलावा भी आप कलेक्ट्री का निरीक्षण करोगे तो सफ़ेदे के पेड़ और ये देखो कभी भी कोई बड़ा गंभीर हादसा हो सकता है। पूर्व में भी एक कार के ऊपर पेड़ गिरा था, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अभी क्या स्थिति होती है, कार दबी है? अभी कार दबा भी है, अभी सिविल डिफेंस और पुलिस वाले देख रहे हैं। बाकी यहाँ अभी तक कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया मगर कोई भी। मेरा नाम कन्हैया सिंह। गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर।